ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज हो चुका है और मारुति के बाद हुंडई वो दूसरी कंपनी है जिसने एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल कार आज लॉन्च की है। ये एसयूवी हुंडई मोटर का नाम दिया गया है आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक कार, इसे भारत में अब लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग के दौरान इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की तमाम तरह की खूबियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। शाहरुख खान ने इसको यहाँ आके लॉन्च किया है, जो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बताया जा रहा है कि ये कार मात्र 18 मिनट में 80% तक चार्ज हो पाएगी। कार निर्माता कंपनी हुंडई ने इसके फीचर की बात करें तो बताया है कि 72.8 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी जो है इसको इसमें लगाई गई है। इसके अलावा 631 किलोमीटर की इसमें ड्राइविंग रेंज दी गई है। अगर ये गाड़ी एक बार चार्ज हो जाती है, इसकी बैटरी को सुपर फास्ट 350 किलोवाट डीसी चार्जर से इसमें लगाया गया है। इसके अलावा जो है आयोनिक 5 V12 व्हीकल टू लोड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ इसको तैयार किया गया है। इस तकनीक की मदद से ग्राहक कार के अंदर और बाहर दोनों की तरफ 3.6 किलोवाट तक की बिजली के उपकरणों को पावर दे सकेंगे। इसके साथ ही इस कार में आपको 12.3 इंच की HD टच स्क्रीन मिलेगी। इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग, हेडअप डिस्प्ले, सनरूफ की सुविधा भी इस गाड़ी में उपलब्ध है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस गाड़ी को जो है बनाया गया है, एक तरीके की फैमिली कार है। इसका जो प्राइस है वो भी अनवील किया गया है, करीब 45 लाख रुपए के अंदर ये खूबसूरत गाड़ी आप अपने घर ले जा सकते हैं। जिस तरीके से भारत का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो चेंज हो रहा है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बार बार कह चुके हैं कि अब हमें पेट्रोल और डीजल को छोड़ के इलेक्ट्रिक कार चलानी होगी आने वाले वर्षों में। 2030 तक अधिकतर सड़कों पर आपको जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मिलेगी। इसी एवज में आप देखें कि ना केवल मारुति बल्कि हुंडई ने भी अपनी दूसरी जो है ये इलेक्ट्रिक कार उतारी है बाजार में। 45 लाख रुपए इसका प्राइस रखा गया है। एक एसयूवी है, इसका अगर आप व्हील बेस देखें तो ये भी अच्छा खासा लंबा व्हील बेस रखा गया है। LED लाइट्स इसमें लगाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत कार है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है ये कार जो है आपकी हो सकेगी मात्र 45 लाख रुपए में। वीडियो जर्नलिस्ट रविश के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष।